हाय दोस्तों, सो वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू ग्लैम मंत्रा। तो मैं आज आप लोग के साथ एवन क्लिंसर का रिव्यू करने वाली हूँ, तो मेरे इस वीडियो को पूरा देखना। और अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल बटन है उसको भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं आगे जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। और आप मेरे इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो वीडियो हम अभी स्टार्ट करते हैं। सो ये है एवन नेचुरल्स फेस केयर का नरिशिंग मिल्क एंड हनी क्लिनजर। इसका नेट कंटेंट है 100 ग्राम, और इसका आउटर पैकेजिंग ऐसा है, येलो कलर के ऊपर ऑरेंज कलर से लिखा हुआ है। देन यहाँ पर इसका प्राइस मेंशन है, इसका प्राइस है 299, लेकिन आप अगर कोई भी एवन रिप्रेजेंटेटिव के ज़रिए इसको परचेस करते हो तो एवन में हर 2-3 महीने में ऑफ़र आता है, सो आपको ये डिस्काउंट में मिल जाएगा। मैंने इसको 199 में लिया था, और आप आपके कोई भी करीबी शॉप से भी इसको ले सकते हो। और इसका सेल्फ लाइफ है 3 ईयर्स का। देन ये प्रोडक्ट जो है जेंटल एंड माइल्ड है, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है, एलर्जी टेस्टेड है। देन यहाँ पर मेंशन है रिवील योर स्मूथ एंड नरिश्ड स्किन, नेचुरली नरिशिंग मिल्क एंड हनी क्लिनजर इफेक्टिवली क्लीन स्किन, विल इट स्मूथेंस एंड मॉइस्चराइजिंग, इट रिमूव डार्क इम्प्यूरिटीज एंड लाइट मेकअप, इट रिड्यूस रफ स्किन टेक्सचर एंड मेंटेन स्किन मॉइस्चराइजर। हाउ टू यूज़, अप्लाई डिजर्ड अमाउंट ऑन टू वेट हैंड एंड क्रिएट लेदर, जेंटली मैसेज ऑन टू फेस, रिंस ऑफ द वाटर फॉर एक्सट्रीमली यूज ऑनली, एवॉइड कॉन्टैक्ट विद आइस। देन यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स पढ़ सकते हो, आप चाहें तो यहाँ पर वीडियो पॉज करके इसके इंग्रेडिएंट्स सभी पढ़ सकते हो। देन एवन का सभी प्रोडक्ट अभी आता है सपोर्टिंग टू अल्टरनेटिव एनिमल टेस्टिंग, सो ये प्रोडक्ट भी एक वैसा ही प्रोडक्ट है। सो ये था इस प्रोडक्ट का आउटर पैकेजिंग। अब हम ये प्रोडक्ट कैसा है उसको देख लेते हैं। सो एवन का सभी प्रोडक्ट जो है अंदर से सील होके आता है, सो आपको अगर ये खुला कोई देगा सो आप इसको मत खरीदना। ये प्रोडक्ट आपको सील अगर होगा तभी आप इस प्रोडक्ट को परचेस कीजिएगा। सो अब हम एक ग्लास का बोल ले रही हूँ। यहाँ पर जो है मैं ये क्लिनजर थोड़ा सा आपको लेकर दिखा दूँगी कि इसका टेक्सचर वगैरह, इसका कलर कैसा है। सो मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिया हूँ, ये ऐसे वाइट कलर का है एक क्लिनजर। ये देखिए, ये ऐसे वाइट कलर का है एक क्लिनजर, और ये जो है ये बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं है और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है। इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा है। मैं ये बोल को ऐसा कर रही हूँ, आप देख सकते हो ये फेस वॉश थोड़ा सा ही नीचे आया है, ये फेस वॉश सॉरी ये क्लिनजर थोड़ा सा ही नीचे आता है। सो ये क्लिनजर जो है बहुत ज़्यादा लाइट भी लिक्विड भी नहीं है और थिक भी नहीं है। और अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो उसके लिए ये क्लिनजर बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है, लेकिन अगर आपका ऑयली स्किन है तो आप इस फेस वॉश क्लिनजर को मत इस्तेमाल कीजिएगा। और ये क्लिनजर जो है आपके अगर आपने थोड़ा सा लाइट मेकअप किया है तो उसको भी ये रिमूव कर देगा ये क्लिनजर। सो ये था इस क्लिनजर का रिव्यू। सो ये वीडियो अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगा है और अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब के बटन के पास एक बेल बटन है उसको भी आप प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं आगे जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। और अगर आपको और कुछ वीडियो की रिक्वायरमेंट हो तो मुझे नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय एंड टेक केयर। और मेरे चैनल में आप वीडियो में जाके देख सकते हो, मेरे चैनल में ऑलरेडी एवन मिल्क एंड हनी का जो है सोप और मिल्क एंड हनी का शावर जेल का रिव्यू भी दिया हुआ है। सो ये था इस क्लिनजर का रिव्यू। सो थैंक्स एंड स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कीप वॉचिंग।